two bits and pieces. समय की चोटी है. मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, मैं एमडी हूं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में, और ये जो प्रोडक्ट है ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का ही पार्ट है. ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में कभी फिर कभी बात करेंगे. मैं दो सेंटर चलाता हूं जयपुर में, और मिसेज डॉक्टर कृष्णा हम दोनों सालों से सेंटर चला रहे हैं, जहां बिना दवाई, बिना सप्लीमेंट, बिना साइड इफेक्ट, बिना ऑपरेशन के लगभग 22 साल से ट्रीटमेंट कर रहे थे. मगर वहां था क्या कि हम 3 से ज्यादा पेशेंट अपने हॉस्पिटल में नहीं ले पाते थे, क्योंकि हमारी थेरेपीज में कितनी थेरेपी किसके साथ मिक्स करनी है वो हम डिसाइड करते थे अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन. तो वो सिलसिला सालों से चल रहा था, और जैसे ही ये प्रोडक्ट आया, क्योंकि हमारी मैम का ऑलरेडी जो मेन सब्जेक्ट था उसमें से एक सब्जेक्ट था मैग्नेट थेरेपी, ऑलरेडी हम जानते थे, मगर न्यूडीमियम बायोमैग्नेट हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हो, आप में से साइंस में कुछ लोग होंगे तो पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा न्यूडीमियम बायोमैग्नेट. बायोमैग्नेट नहीं होगा, केवल न्यूडीमियम होगा, और वो देखा था दैट इज रेयर और नॉट, वो हमने पढ़ा था मगर देखा हमने भी नहीं. जैसे ये प्रोडक्ट एक सज्जन लेके आए, मैं एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा उस महान मोदी जी की. लगभग 3-4 महीने फॉलो करते रहे कि डॉक्टर साहब आपसे मिलना है, और मैंने कहा क्या काम है, पहले ने गद्दा रजाई, क्योंकि आज भी हमारे सेंटर्स में 150 से 200 प्रोडक्ट मैग्नेट के रखे हैं, क्योंकि वो मैग्नेट वो नहीं थे जो ये मैग्नेट था, क्योंकि हमने देखा नहीं था. जैसे उन्होंने कहा कि न्यूडीमियम बायोमैग्नेट आ गया, हमें यकीन नहीं हुआ कि यार ये एक टेक्निकल आदमी, इसके पास ये न्यूडीमियम बायोमैग्नेट आ कैसे सकता, विश्वास नहीं हुआ. सच दिया, और डॉक्टर सागर सर के साथ मेरी लगभग 1.25 घंटे की पर्सनल मीटिंग हुई, मैंने उनसे मिलना चाहा, और वो दिन आज है, हम दोनों ने डिसीजन लिया और दोनों सेंटर को बंद किया और आज लोगों की सेवा कर रहे हैं.
डॉक्टर साहब अपने आप ही मैग्नेट थेरेपी के बारे में बताने लगते हैं। ये तो बता।